खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो सतर्क रहें, अगले 24 घंटे में निराश ना हो। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा साहब। वोरा साहब, राहुल गांधी जी का अभी अभी ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि फर्जी एग्जिट पोल दुष्प्रचार है, उसको देख करके निराश ना हो, सतर्क रहें और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो एकदम सही है, और कल मतगणना है और मतगणना के समय हमारे जो काउंटिंग एजेंट रहेंगे वो सतर्क रहें और डरे नहीं, क्योंकि हमने जो कहा था लोगों के बीच में वो आश्वस्त रहें कि हम जो कहते हैं हम उसको निभाते। माननीय राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है और मुझे भरोसा है कि काउंटिंग के समय में सभी हमारे पदाधिकारी और जो काउंटिंग एजेंट हैं वो वहाँ पर हिम्मत के साथ डटे रहेंगे और जहाँ कहीं भी उनको लगेगा कि गलती हो रही है या ठीक नहीं हो रहा उस पर वो अपना एतराज दर्ज कराएंगे। भोरा साहब, एग्जिट पोल्स पे क्या भरोसा बिल्कुल नहीं है, वो ट्वीट करके फर्जी कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि एग्जिट पोल तो हम सब लोगों ने एक बार उसको खारिज कर दिया है। एग्जिट पोल का मतलब कोई चुनाव नहीं प्रचार, ये हो रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की जीत का संकेत दे रहा है। एग्जिट पोल का मतलब तो अनुमान है और अनुमान हमेशा सही नहीं निकलते। 2004 में भी आपने देखा कि अनुमान सारे गलत निकल गए थे। हमें विश्वास है कि जन देश के मतदाताओं पर हमें पूरा भरोसा है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को चुनाव के दरमियान उठाया था उन मुद्दों पर हम आज भी कायम है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव के समय में न भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, न बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, न किसानों की बात कही। हमने उन सारी बातों को कहा है और हमें भरोसा है कि कल मतगणना के समय में, क्योंकि मतदान तो हो चुका है। आपको क्या भरोसा, आपको लगता है कि सरकार आप बना सकेंगे? हमारे मतदाता हमारे साथ देंगे, हम तो डट के, हिम्मत हमारी पस्त नहीं हुई है, हम हिम्मत के साथ बैठेंगे। हमारे कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है कि आपको लगता है कि एग्जिट पोल से फर्क आएंगे नतीजे है? आपको लगता है एग्जिट पोल से फर्क आएंगे नतीजे? मेरे ख्याल से एग्जिट पोल तो कहा ना मैंने, उसको तो हम सब लोगों ने खारिज कर दिया। एग्जिट पोल का मतलब ये नहीं कि कल जो जश्न मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे लग रहा तो जो भ्रमित कर रहे हैं कि जैसे कोई इलेक्शन के रिजल्ट निकल चुके हैं। आपको क्या उम्मीद है नतीजों से? आपको हमारे मतदाता हमारे साथ न्याय करेंगे। आपको लगता है कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति? मेरा कहना है कि भाई ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारा भरोसा है कि देश का मतदाता निश्चित रूप से हमारा समर्थन करेगा। बोला साहब, बस एक आखिरी सवाल, अभी अभी एक खबर आ रही है कि आप लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की थी वीवीपैट की पहले से पहले काउंटिंग कराने की, उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। अभी नहीं, अभी नहीं, कहां खारिज किया? अभी अभी जानकारी है कि खारिज कर दिया है, पहले कल, कोई गिनती नहीं। कल हमारे 21 राजनीतिक दलों के जो विपक्ष के नेता है कल इलेक्शन कमीशन से मिले थे और ईवीएम की गड़बड़ी के बारे में, किस प्रकार ईवीएम ट्रकों में भरकर भेजी जा रही उसके बारे में ध्यान आकर्षित किया था और ये कहा था कि कल मतगणना के समय में वीवीपैट की गिनती पहले होगी और उसके बाद में ईवीएम मशीन की गिनती होगी। वही उसी मांग को खारिज कर दिया चुनाव? मुझे मालूम नहीं, अगर ये हम लोगों को जो उन्होंने कहा था हम बराबर इस पर भी न्याय करेंगे ना, कि मुझे नहीं मालूम कि अभी उन्होंने खारिज किया, अगर खारिज कर दिया तो अच्छी बात नहीं लगती। आपको लगता है कि ये गलत फैसला है क्योंकि वो खारिज तो कर दिया है तो खबर आ गई? 21 दलों के नेताओं की बात को जो विपक्ष के नेता है जब उन्होंने इस बात को कहा तो उसे मानना चाहिए था। अब वो चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, अधिकार के अंतर्गत तो उन्होंने किया होगा, लेकिन हमारी तो अब तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आप जैसा कह रहे कि उन्होंने खारिज कर दिया तो ठीक है, उसके बाद भी हम सतर्क होके काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोतीलाल वोरा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि 21
पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वीवीपैट की काउंटिंग पहले की जाए। अगर उसको खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने तो ये गलत बात है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी सतर्क रहेगी, कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे और उम्मीद है कि जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल से फर्क होंगे। कैमरामैन मोहित के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।